इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी के साथ किसी तरह की गठबंधन या विलय को फजूल की बात करार दिया है और ये कहा है कि जो लोग हमसे अलग होने के बाद 2-3 पार्टियों के साथ गठबंधन करके धोखा कर चुके हैं उनके साथ कौन चलना चाहेगा। अभय सिंह चौटाला आज सिरसा में पत्रकारों से बात कर रहे थे। ये फजूल के सवाल जो है ना आप करने बंद कर दो। वो लोग हमारे से अलग होने के बाद 3 लोगों से गठबंधन कर चुके, तीनों के साथ धोखा कर चुके, धोखा देने वाले लोगों पे कौन विश्वास करेगा। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री पर भी टिप्पणियां की, उन्होंने ऐसे नेताओं के बारे में भी बहुत तल्ख टिप्पणियां की जो उनकी पार्टी को छोड़कर गए हैं। उन्होंने कुछ विधायकों का नाम लेकर कहा कि उनकी क्या हैसियत थी कि वो विधायक बन जाते। रामचंद्र कंबोज क्या अपने दम पे विधायक बना था? मक्खन सिंगला क्या इतनी बड़ी हैसियत रखता था कि वो सरसा का विधायक बन सके? दौलतपुरिया की इतनी ताकत थी? जितने भी लोग छोड़ करके गए हैं ये 10 दिन बाद टकरे मारते मिलेंगे आपको। जितनी हमने इनको मान सम्मान और इज्जत दिया, इस तरह घर से बुला करके टिकट दे करके MLA बनाया, विधानसभा तक पहुंचाया, अमित शाह की रैली में ये सब लोग गए थे जो हमें छोड़ करके गए, और सबको धक्के मार करके मंच से नीचे उतारा गया था। ये वीडियो वायरल हुई है, किस तरह से आज अपमानित हो रहे हैं, तो मान के चलो कि स्वार्थी लोग हैं। इनको कोई अपमानित करे, इनको कोई गालियां दे, कोई इनको जूते पहनाए, कोई इनके जूते मारे, स्वार्थी जो होता है उसमें इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। आज चुनाव आएगा तब देखना लोग इनका कैसा वेलकम करते हैं। हमने दावे नहीं किए, हमने धरातल पे करके दिखाया है। हमारे ऊपर कई दफा आप जैसे साथियों ने भी ये कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो 9 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। हम उन हालात में 32 सीट जीत करके आए थे, आज फिर आप लोग इसी तरह की चर्चा करते हो, लेकिन देखना प्रदेश की सरकार हमारे बिना नहीं बढ़ पाएगी। गठबंधन की बात में संभावना है? किसके साथ गठबंधन की कह रहे हो? आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। कोई हमारे पास चल के आएगा तब कोई बात करेंगे। किसी ने आपसे बात करी है क्या? नहीं, जैसे आपने जवाब दिया हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी तो मैं गलत अब सरकार तो हम ही बनाएंगे, हमारे बिना कैसे बनेगी? आपके पास कोई आया क्या गठबंधन वाला? नहीं नहीं, कोई आए तो मुझे बताना जरूर। अब ये मान के चलो कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती ना, ये हर आदमी कहता है, तो फिर आपको भी ये कहना चाहिए भी सरकार तो लोकदल ही बनाएगा। आज मुख्यमंत्री जो लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, रोजाना नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, 5 वर्ष में तो कोई काम किया नहीं, अब कैसे मतदाता को बरगलाया जाए, इसके लिए बस पे चढ़ गया और बस पे चढ़ करके ऊपर से जोर जोर से आवाजें मार मार के कहता है कि मुझे फिर 5 वर्ष के लिए मौका दे दो, मैं आपके इलाके के लिए फलां काम करूंगा, फलां काम करूंगा। हमने सेशन में मुख्यमंत्री से कहा था कि 5 वर्ष का लेखा जोखा अब आप अपनी आखिरी स्पीच में देख करके जाना, लेकिन हैरानी की बात है मुख्यमंत्री ने जब रिप्लाई दिया उसमें एक शब्द भी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बारे में मुख्यमंत्री हाउस को बता नहीं पाया। चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को सम्मान दिवस के रूप में 25 सितंबर को मनाते हैं, इस बार चौधरी साहब के जन्मदिन को हम कैथल की अनाज मंडी में मनाने का काम करेंगे और वहीं लाखों की संख्या में लोग आएंगे और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।